हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की हिंदी के काव्यखंड को। ठीक है, क्लास 10th की हिंदी के काव्यखंड को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित रचना नदी है। ठीक है, केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित रचना नदी की व्याख्या को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको जो भी व्याख्याएं पढ़ाई हैं, वह आशा करता हूं आपको सारी व्याख्याएं समझ में आ रही होंगी। तो उसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे बच्चों, आज हम लोग नदी की व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता में जो नदी शब्द का यहाँ पर अर्थ लिया गया है, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नदी का अर्थ हमारी सभ्यता और संस्कृति है। ठीक, तो उसी सेंस में हम लोग इस पूरी कविता को आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में लिखी और आसानी से समझ में आ जाने वाली रचना है, इसको प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं। तो क्या है, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। क्या बताया जा रहा है कि अगर धीरे चलो, कि अगर आधुनिकता की इस दौड़ में, ठीक है, अगर आधुनिकता की इस दौड़ में आप धीरे चलोगे तो आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति है, वह आपके साथ धीरे धीरे चलेगी और तुम्हें छू लेगी और आपको स्पर्श कर लेगी, आपको छू लेगी। यानी आधुनिकता की इस दौड़ में आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति है, वह आपके समकक्ष ही रहने वाली, आपके साथ ही रहने वाली है, आपको कभी छोड़ेगी नहीं अगर आप उससे ताल से ताल मिला करके चलोगे। ठीक, आगे क्या है, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी। और अगर तुम आधुनिकता की दौड़ में अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ करके दौड़ोगे तो क्या हो जाएगी, तुमसे छूट दौड़ोगे तो छूट जाएगी नदी। अगर आधुनिकता की दौड़ में केवल तुम आधुनिक बनने की दौड़ में दौड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी सभ्यता है, जो तुम्हारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो तुमसे दूर हो जाएगी, तुमसे छूट जाएगी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, और अगर तुम सभ्यता और संस्कृति को साथ ले करके चलोगे तो वह तुम्हारे साथ कहीं पर भी चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, यहाँ तक कि तुम उसे कबाड़ी की दुकान तक भी लेकर के जा सकते हो। यहाँ कबाड़ी की दुकान से अर्थ है जहाँ पे अनेक संस्कृतियों का क्या हो, मेला हो, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हो। अगर तुम वहाँ पर भी इस हमारी अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के जाओगे तो उस अनेक संस्कृतियों में भी भारतीय संस्कृति अपने आप को जीवित रखेगी, अपने आप को नवीन कर लेगी। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। फिर आगे क्या है, छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आँख बचाकर, वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में, कि अगर तुम इसको साथ लेते हुए चल रहे हो और कहीं कहीं उसको तुम छोड़ देते हो तो वहीं अंधेरे में, तो उसी अंधेरे में करोड़ों तारों की आंखों को बचाकर, आकाश मंडल में जो करोड़ों तारे हैं उन तारों से भी अपने आप को बचा करके, ठीक है, एक समूची दुनिया, ठीक है, वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह अपनी एक छोटी सी दुनिया रच लेगी एक छोटे से घोंघे में। जैसे एक छोटा सा घोंघा अपने आसपास एक संरचना बना लेता है, उसी प्रकार से अगर अपनी सभ्यता को आप साथ लेते हुए चल रहे हो और कहीं पर अगर आप उसे छोड़ देते हो तो सभी की आंखों से बच करके अपनी एक अलग दुनिया बसा लेगी। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर क्या है कि तुम, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के कठिन सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कि अब यहाँ कहते हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, सच्चाई यह है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन कठिन परिस्थिति में आपको अपनी संस्कृति की ही याद आएगी और आपकी संस्कृति ही आपकी माता के समान आपको शीतलता प्रदान करेगी, आपको प्रेम प्रदान करेगी। ठीक प्यारे बच्चों, आगे क्या है देखते हैं।
नजीद जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगे ज़रूर कहीं ना कहीं। अब बता रहे हैं कि अगर किसी घर में लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ही आधुनिक हो गए, अपनी आधुनिकता में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया है, तो उसकी बात कर चुके हैं कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, कि जो भारतीय संस्कृति इस घर में नहीं है, पर होगी ज़रूर कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप उसको गौर से ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं वह आपको अवश्य ही मिल जाएगी, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कि कहीं ना कहीं वह फूलदान और चटाई के नीचे बहती हुई हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह आपको मिल जाएगी चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, और कभी इस भारतीय संस्कृति की आवाज़ को सुनना जब सारा का सारा जो शहर है जब वो सो जाए, तब आप कान लगा करके उस भारतीय संस्कृति की मधुर ध्वनि को सुनना आपको अवश्य ही सुनाई देगा। तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, तो किवाड़ों पर कान लगा करके आप उस भारतीय संस्कृति की जो मधुर ध्वनि है उसको आप सुनना। फिर क्या, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी, और कहीं आसपास आपको जब वो आवाज़ सुनाई देगी वो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मादा घड़ियाल करहा रहा हो आसपास ही, कहीं आसपास से ही कोई मादा घड़ियाल करहा रहा हो, ऐसी तीव्र ध्वनि आपको हमारी भारतीय संस्कृति की सुनाई देगी जब आप किवाड़ से कान लगा करके सुनोगे। तो आशा करता हूँ बच्चों या जो पद्यांश था यहीं पर होता है समाप्त, यह छोटी सी कविता थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पुनः इस पूरी कविता की व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी की। अगर आप बहुत आधुनिकता की दौड़ में बहुत तेज चलोगे तो आपकी जो भारतीय संस्कृति है वो आपसे कहीं ना कहीं छूट जाएगी, लेकिन अगर आप धीरे चलोगे तो भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं आपको छू लेगी और आपके साथ धीरे धीरे चलने लगेगी, और अगर आप दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं यह जो भारतीय संस्कृति है आपका साथ छोड़ देगी, और अगर साथ ले चलोगे तो यह कहीं पर भी आपके साथ चली जाएगी, भले ही वह कबाड़ी की दुकान ही क्यों ना हो। फिर आगे बताया जा रहा, छोड़ दो तो वह भी अंधेरे में। अगर आप भारतीय संस्कृति को कहीं भी आप त्याग देते हो, छोड़ देते हो, तो जहाँ पर आप त्यागोगे तो करोड़ों लोगों की आँखों को बचा करके, करोड़ों तारों की चमक से बच करके जो भारतीय संस्कृति है हमारी, वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को जीवंत रखने के लिए एक नई कह सकते हैं कि एक नई दुनिया का विकास कर लेगी, जैसे एक घोंगा अपने आसपास एक संरचना बना लेता है। और बताया जा रहा है कि सच्चाई यह है कि तुम कहीं पर भी रहो, ठीक है, सत्य तो ये है कि तुम कहीं पर भी रहो, परंतु जब कठिन समय पड़ता है, जब कठिनाई आती है, तो आपकी जो भारतीय संस्कृति है वह एक माता के समान आपको संभालती है और आपको शीतलता प्रदान करती है। बताया जा रहा है आगे कि भले ही आज किसी घर में, ठीक है, इस घर में भारतीय संस्कृति ना हो, लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए हों, परंतु आपको किसी ना किसी चटाई या फूलदान के नीचे भारतीय संस्कृति यानी हमारे संबंधों के बीच में, ठीक है, हमारे संबंधों के बीच में, हमारी बोलचाल में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो है हमारी वह आपको परिलक्षित अवश्य ही हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अगर आपको भारतीय संस्कृति की मधुर ध्वनि को सुनना है तो जब पूरा शहर सो जाए तो दरवाजे, किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा, दरवाजे से कान लगा करके धीरे से सुनना, तो आपको आसपास से ही मादा घड़ियाल की करहाने की आवाज़ जैसी एक भारतीय संस्कृति की मधुर ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों यह थी केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी की व्याख्या। आशा करता हूँ आपको व्याख्या पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो समझ में आई हो, व्याख्या पसंद आई हो, तो व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।